हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मनु खाना खजाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। तो आज हम ढोकला की रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ढोकला बनाने के लिए हमने ले लिया है बेसन, चीनी, राई, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, नींबू, मिर्ची। तो हमने लगभग 1.5 कटोरी इस कटोरी में बेसन लिया है। तो इसी के हिसाब से हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हल्दी डालते हैं। हल्दी हम बहुत थोड़ी सी डालेंगे, अगर हल्दी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा ढोकला रेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एकदम एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं। इसके बाद हम 1/2 स्पून इसमें चीनी डालेंगे, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, तो लगभग इतनी चीनी हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम नमक डालेंगे। नमक का यूज हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम स्वाद के अनुसार करेंगे। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि नमक का बहुत ज़्यादा टेस्ट हमें ढोकले में, 1/2 चम्मच से भी कम नमक का यूज कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक का यूज कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो हम इकट्ठे पूरा पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, हमने ये इसको घोल लिया है और अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ऐसे ही रखनी है, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। अब हम इसमें 1/2 नींबू डाल देते हैं। तो अब इसमें हमने 1/2 नींबू का रस डाल दिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना कि इसमें एक भी गुलती ना रहे। तो ये देखिए, बैटर तैयार हो गया। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। 1/2 घंटे हो गए हैं। अब हम गैस चला के पहले कुकर को गर्म होने के लिए और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अभी इसमें हमने 1 ग्लास पानी डाल दिया है और ये हमने दिए का यूज किया। अगर आपके पास कोई स्टैंड हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो जब तक ये गर्म होगा तब तक हम इधर बेसन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बेसन फूल चुका है। अब हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। तो हमने 1/2 चम्मच मीठा सोडा इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हमने इसमें मीठा सोडा डाल लिया। अब इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। इसे बहुत ज्यादा नहीं रखना है, बस 2 से 3 मिनट फेंटना और फिर इसे एक बर्तन में डाल के कुकर में रख देना है। लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं। आप कोई भी कटोरा या केक बनाने वाला कोई मोल्ड हो उसमें आप आसानी से ढोकला बना सकते हैं। इसमें चारों तरफ अच्छे से तेल लगा लेंगे जिससे कि जो हमारा ढोकला है वो चिपके नहीं। तो देखिए, हम अच्छे से इसमें तेल लगा लिए। अब हम ये जो बेसन है इसी में डाल देंगे। ये बेसन को हमने इसमें अच्छे से डाल दिया, इसको थोड़ा सा बराबर कर देंगे और इसको इसमें रख देंगे। तो ये हमने इसमें रख दिया और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। इसको ढक दिया और हम इसका फ्लेम एकदम मीडियम कर देंगे और इसको 40 से 45 मिनट तक पकने देंगे। तो लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं ये पक गया है कि नहीं।
तो ये हमने एक टूथपिक ली है, इसी के थ्रू हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें एक भी नहीं लग रहा है, ये टूथपिक एकदम साफ है, मतलब ये पक गया है। तब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम गरम गरम में नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकता है। ढोकला ठंडा हो रहा है तो हम इसको तड़का लगाने के लिए सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो हम डाल लेते हैं थोड़ा सा रिफाइंड तेल। अब तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच राई, इसको थोड़ा भून जाने देते हैं। अब डाल देते हैं इसी में हरी मिर्च, हमने दो ही हरी मिर्च डाला है। अब डाल देते हैं हम इसमें कड़ी पत्ता। दो से तीन मिनट तक पक जाने देते हैं। ये करी पत्ता हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो डाल देते हैं हम एक चम्मच चीनी और इसे अच्छे से घुल जाने देते हैं। इसको ज्यादा नहीं पकाते, जब तक चीनी घुल जाती है तब तक पकाए हैं। और थोड़ा सा उबाल आ गया तब हम इसको बंद कर देंगे। अगर हम इसको अच्छे से पहले साइड से निकाल देते हैं, वैसे इसमें तेल लगा था तो ये अपने आप साइड से छोड़ दिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से निकल आया है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। आप इसको देख लीजिए, इसको मैं दबा के दिखा देती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए कट करने पे भी पता चल रहा कि ये कितना सॉफ्ट है। तो ये हमने कट कर लिया, आपको एक पीस उठा के दिखा देते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, ये देखिए। तो अब हम इसमें जो ये तड़का की सामग्री बनाए थे उसको डाल देते हैं, अच्छे से सारे जगह। छोड़ देते हैं क्योंकि जो बेसन है ना वो बहुत ज्यादा पानी सोखता है। फिर ये बचा हुआ पानी हम दोबारा डाल देंगे। तो ये जो बचा हुआ तड़के का सामान था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये देखिए ढोकला बन के तैयार हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इसी तरह से ढोकला बनाइए और ट्राई कीजिए। और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।